जितना एक खूबसूरत गांव है उसकी कहानी उतनी ही दर्दनाक और सैड है। मैं 19 साल पाकिस्तान में रहा, 71 का पहले पाकिस्तान का कब्जे में था जी, फिर 71 में लड़ाई हो गई जी, फिर हमारा 2 मेजर साहब फौज लेकर आया, सुबह यहाँ पहुँच गया। हम लोग उसी टाइम पर डर रहा था, पाकिस्तान भागते जा रहा है, इंडिया आ रहा बोर्ड कर। एजुकेशन सर, ये वो गांव में हमारा पूरा रिश्तेदार फंसा हुआ, 5 साल तक मैं इंतजार किया, मिलेगा मिलेगा सर, नहीं मिला जी। आज के दिन की शुरुआत हम मैगी बनाने से करने वाले थे, क्योंकि पहाड़ों में बनी हुई मैगी और पहाड़ों में बना के मैगी खाना, इसमें बहुत सारा अंतर है। और साई खुद के साथ खुद का किचन, बेड, छोटा सा फर्नीचर सब लेके चलता है, और साई के बदौलत ही हम लोगों को पहाड़ों में मैगी बनाने का अवसर मिला था। वैसे कहते तो हैं कि मैगी 2 मिनट में बन जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं था। जब 3 लोग मिला के मैगी बना रहे हो तो उसे आधा एक घंटा तो लग ही जाता है। और हमने इस मैगी को एक अच्छे से व्यू के साथ एंजॉय किया, और कैमरा में मैनुअल फोकस से ऑटो फोकस में शिफ्ट करना भूल गया था, तो आगे का इमेज थोड़ा ब्लरी है। तो हम जा रहे हैं तुरदुक, तांगबी विजिट करेंगे जो आखिरी विलेज है, वहाँ पे बहुत सारे किस्से सुनने मिलेंगे इंडिया पाक बॉर्डर के। तो लेट्स सी, अभी हम बीच में रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए, हमारे पास मैगी गैस वगैरह सब था, तो हमने डिसाइड किया कि बना के खाएंगे, बट अभी फिलहाल निकलते हैं और आते वक्त हम हुंडर कवर करेंगे। भरपेट मैगी खाने के बाद हम लोग निकल पड़े थे थांग विलेज के लिए, जो इंडिया का आखिरी गांव है। यह बहुत ही खूबसूरत जगह है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, चारों तरफ हरियाली और इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। थांग को आखिरी विलेज भी कहा जाता है, और यहाँ से इंडिया पाक का बॉर्डर बहुत ही नज़दीक से दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास जूम लेंस है नहीं, तो साई ने मुझे हेल्प कर दिया, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं आगे जाके जूम लेंस भी ले सकता हूँ, और वो जूम लेंस से मैं आपको अच्छी अच्छी जगह और पास से दिखा सकता हूँ। पर थांग विलेज में आपको एक ऐसा किस्सा सुनने को मिलेगा, जो किस्सा सुन के शायद ही किसी को बुरा ना लगे। जितना एक खूबसूरत गाँव है उसकी कहानी उतनी ही दर्दनाक और सैड है। मेरा नाम गुलाम हुसैन है जी, मैं इंडिया का लास्ट गाँव थांग में रहने वाला है। 71 का पहले का पैदाइश हूँ, मैं 19 साल पाकिस्तान में रहा, इंडिया में आकर मेरे को 53 साल हो रहे, मैं बहुत बूढ़ा आदमी हूँ। फिर ये 4 गांव जो है 71 का पहले पाकिस्तान का कब्जे में था, ये बोटांग गांव आपको जानता होगा, बोटांग गांव अपने इंडिया का था, बोटांग गांव से इस तरफ आकर एक लकड़ी की ब्रिज जी, वही मोहन सिंह था जी, ब्रिज नहीं था, 71 के बाद में अपने इंडिया ने बनाया हुआ है वो ब्रिज, यही सहयोग नदी बनती थी, नदी का नाम है सहयोग, पंगोंग से चाहता है। ये ब्रिज का उस तरफ जो है बोडांग के तरफ रोड था, मैदान था, पहाड़ था, बोडांग गांव था, अपने इंडिया का कब्जे में था। अब ब्रिज को उस तरफ निकला तो रोड में पहुंच गया, तो उस तरफ नदी को उस तरफ जो है पहाड़ जो है वो पाकिस्तान, इस तरफ अपना है, यही सिर्फ नदी फेंसिंग था। फिर अब 200-300 गज नीचे आने से एक मैदान है, वहाँ एक ब्रिज है, रोड के इस तरफ चूलूंग का बोर्ड का लंबा सा गाँव है, वहाँ भी पाकिस्तान का कब्जे में था जो उनका फौज था। ये 71 में लड़ाई हो गई, पहले बांग्लादेश से शुरू हो गई, बांग्लादेश में इंडिया पाकिस्तान बहुत लड़ा, फिर बांग्लादेश अपने इंडिया ने आज़ाद कर लिया। फिर दिसंबर का 10 तारीख को यहाँ भी जंग छिड़ गया जी, हमारा थंग से 22 किलोमीटर आगे जी, बोला वो चुनू का 22 किलोमीटर, हमको लड़ाई का आवाज़ नहीं सुनाई जी, हम थंग में था उसी टाइम पर, यही गाँव में इंडिया पाकिस्तान लड़ाई हो रहा वर्का सुनते रहा जी। फिर 2 दिन फेरिंग चल गई, तीसरे दिन से पाकिस्तान भगना शुरू हो गया जी, अपने इंडिया का फौज पीछे आते आते सबसे पहले चुलूंगा एक, इसके बाद टोटुक 2, इसके बाद त्यासी 3, इसके बाद थंग 4, ये 4 गाँव जो है 71 का पहले पाकिस्तान का कब्जे में, वो अभी देख लिया आप खानू गाँव, वो पाकिस्तान में रह गए, उनका इधर ज़मीन था, हम लोगों को उधर ज़मीन था, हमारा थंग गाँव का आधा आदमी वहाँ बसा था, आधा आदमी यहाँ बसा था, किसी का माँ, किसी का बहन, किसी का भाई। फिर हमारा 2 मेजर साहब फौज लेकर आया, सुबह यहाँ पहुँच गया 10 बजे, एक तो हमारा लारा सिकोट का रिंगचैन साहब था जी, वो मेजर था जी उसी टाइम पर, वो बहुत बहादुरी था, एक जम्मू का इसके सिंह साहब था जी। हम लोग उसी टाइम पर डर रहा था, पाकिस्तान भागते जा रहा है, इंडिया आ रहा बोर्ड पर, हिंदुस्तान का फौज क्या करेगा, मारेगा पीटेगा, कोई पता नहीं था, हिंदुस्तान आ रहा बोर्ड कर, खाने खाने के लिए बिजी नहीं आ रहा, घरों में बैठा हुआ था। फिर सुबह 10 बजे यहाँ फौज लेकर पहुँच गए, फिर हमारा एक आदमी से मिला, कोई तुम्हारा गाँव वाला कहाँ है, हम 22 किलोमीटर पाकिस्तान के फौज भगा करके
आपसे मिलने के लिए आया, तो आपका आज़ादी के लिए आया, तो हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं, हमारे मिलने से भी नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या आएगा सर, बोलो, थोड़ा बहुत है, बाकी आदमी वहाँ है, ये घरों में बैठा हुआ है, क्यों आप लोगों को डांट कर, क्यों डांटा, क्या करेगा इंडिया का फोर्स, मारेगा पीटेगा, कोई पता नहीं था ये, अच्छा सब पालन कीजिए, ऐसे घरों से फोन लगा कर निकल, आप लोग सो रहा है, हम आने के लिए आया, आपको पीने के लिए आया, ये मत सोचना, आपका आज़ादी के लिए आया, आपका सिवाई के लिए आया, मारने के लिए पीने के लिए नहीं आया, हम जमीन से कोई तालो नहीं, हमको आवाम चाहिए, आप लोगों को सिवाई के लिए लड़ रहा है, आपका माँ हमारा माँ है, आपका बहन हमारा बहन है, आपका बेटी बेटा हमारा, आप फौज का मदद करो, फौज आपको मदद करे, शुक्रिया साहब, इंडिया का अफसर अच्छा था, जवान अच्छा था, हमारे दिल में खुशी हो गई, एजुकेशन सर ये वो गांव में हमारा पूरा रिश्तेदार फंसा हुआ, वो कोशिश करके कुछ करो, वही गांव अपना करो, हमारे रिश्तेदार से मिलाओ, क्या करेंगे जी, आप लोग इकट्ठे रहना था, अलहमद अभी हमारे हाथ में नहीं है, अभी सीज फेयर हो गया, गवर्नमेंट दोनों अमन हो गया, अपना अपने जगह में रुको, हमें आगे मार जाओ, वोट कर हमको ऑर्डर आया हुआ, हम तो नहीं जा सकते, पाकिस्तान वाला छोड़ेगा तो हम बातचीत करके नेता लोग को, उसी टाइम पर इंदिरा गांधी था जी वजीर आजम, बातचीत करके लाने के लिए कोशिश करते, कहाँ लाया जी, हम खुद का जो है माँ बाप जो है, बीबी जो है, मैं 9 साल में शादी किया था, माँ बाप को मैं अकेला था, बहन भाई कुछ नहीं था, वहाँ था जी हमारा पैदाइश, वहाँ था, वहाँ पैदा हो गया था, फिर दिसंबर का पहला तारीख को बोला माँ बाप ने, बेटा यहाँ 4-5 कनाल ज़मीन था जी, थोड़ा सा था, ज़्यादा नहीं था जी, दिसंबर का पहला तारीख को बोला बेटा तू जाओ था जाकर पशु लेकर जाओ, थोड़ा खाद बना कर आ जाओ, पाकिस्तान के ज़माने में ये यूरिया नहीं मिलता था, देसी खाद लगाता था जी, आप जवान हैं, आप 19 साल के, खाना खुद बनाते खाओ, बीबी वहाँ छोड़ कर जाओ माँ बाप को देखने के लिए, हाँ मैं आ गया जी दिसंबर के पहला तारीख को मैं यहाँ पे, उसी टाइम पर बांग्लादेश आज़ाद हो गया था, इसी इधर तो कोई लड़ाई का पता नहीं था, फिर 10 तारीख को जंग छिड़ गया जी, 17 तारीख को ये इंडिया को हुई जी, वो पाकिस्तान को, माँ बाप जो है बीबी जो है पाकिस्तान में रह गए जी, मैं अकेले इंडिया में रह गया, फिर 5 साल तक मैं इंतज़ार किया, मिलेगा मिलेगा सोच नहीं मिला जी, फिर मैं यहाँ शादी कर लिया, अभी 6 लड़का एक लड़की इधर ही है, फिर इंडिया गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमको ज़मीन नहीं है जी, अपना दाल रोटी सबको हो रहा है जी, फिर आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, इतना फ्लैट का खर्चा करके, इतना गाड़ी का खर्चा करके, ये 71 में अपने इंडिया का बहादुर जवानों ने पाकिस्तान से आज़ाद करने वाला छोटा सा पहाड़ी इलाका में इतना खूबसूरत शहर छोड़ करके, इतना छोटे इलाके में यहाँ बुंदेली लैंड देखने के लिए, यहाँ तशरीफ पाने के लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा के गाने सुनने के बाद हमें तो यह समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे, कोई कैसे अपना पूरा घरदार छोड़ के रह सकता है। फिर हम निकले गांव को एक्सप्लोर करने, और शायरी कोई कह सकता है कि वो थांग में जाके एक्चुअल विलेज में विजिट करके आए थे, क्योंकि हम यहाँ पे छुपके से गए थे, और क्या ही सुंदर विलेज था भैया, चारों तरफ हरियाली। कोई कहीं पे पुराना मकान, हमने तो गांव काफी एंजॉय किया, गांव काफी खूबसूरत है, एकदम ऐसे लग रहा था जैसे किसी मूवी में है। कुछ अच्छे से शॉट्स के साथ और बाबा की कहानी के साथ हम लोग निकल पड़े तुरतुक विलेज के लिए। तुरतुक भी उन्हीं एक गांव में से हैं जिसे इंडिया ने 1971 में पाकिस्तान से जीत लिया था। वैसे ये गांव भी काफ़ी खूबसूरत था, बट हमें ये पता नहीं था, और हम यहां पे आए थे सिर्फ गांव एक्सप्लोर करने के लिए और निकलने के लिए। वैसे यहां से व्यू भी काफ़ी अमेजिंग है, और यहां पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप यहां पे म्यूज़ियम देख सकते हो, बहुत सारे ट्रैक्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, बट हम लोग जा रहे थे इंडिया पाक बॉर्डर देखने के लिए, जो कि पहाड़ों पे है। वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों बहुत ही आमने सामने हैं, और वहाँ पे उनके ऊंचाई वाले कैंप्स हैं, बट यहाँ पे जाने के लिए आपको बहुत चलना पड़ता है, और वो भी खूबसूरत गांव में से। बट हमें उसका कुछ लगा नहीं, क्योंकि चारों तरफ कहीं पे भी नज़र उठा के देख रहे थे तो हमें बस सीन ही सीन दिख रहे थे। वैसे पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर दिखा नहीं सकते हम आपको, क्योंकि वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, आपको वहाँ पे जाके आपकी आँखों से वो बॉर्डर देखना पड़ेगा। और मेरे पास अच्छा सा लेंस होता तो मैं और अच्छे से फोटो खींच पाता। सो अभी हम तुरतुक में थांग विलेज से आए, इंडिया का लास्ट विलेज ऑन द पाक बॉर्डर, और प्लान ये था कि आज
तुरतुक विलेज देखेंगे, दो तीन घंटा बिताएंगे यहाँ पे एंड देन हुंडर जाके स्टे करेंगे। बट तुरतुक इतना पसंद आ गया कि यहाँ से निकलने का दिल नहीं कर रहा है, तो मैं साई और सतीश ने ये डिसाइड किया कि हम लोग एक रात यहाँ पे गुजारेंगे, थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे रात में, शाम में और सुबह, एंड देन इन द मॉर्निंग हम लोग हुंडर निकलेंगे। तो हुंडर में प्लान ये है कि साई गो कार्टिंग करने वाला है और मैं सैंडल्स देखने वाला हूँ, दैट्स इट, है ना। तो सुबह मिलते हैं गाइस, बाय।